निजी बैंक, निजी जो हॉस्पिटल हैं उनसे जो है उनकी राशि जो है वसूली जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब निजी अस्पतालों में ऐसे ही इतनी परेशानियां, ऐसे ही जहां लाश तक नहीं छोड़ी जाती है, जहां लोग छोटे छोटे मरीजों, भी कल ही गिरिडीह की घटना हम लोग देख रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल से गोविंदपुर में ले जाया गया, उसको घर बार तक बेचना पड़ा, तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वो पुनः उनसे ही शोषण करेंगे और हो सकता है सरकार उनसे जितना वसूल रही है उससे वो ज़्यादा वसूलें। सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड के बदले शुल्क लेने के विरोध में लाइफ सेवर्स के अतुल गेरा पिछले 7 दिनों से राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। इस वक्त मुलाकात करने के लिए बगोदर के विधायक विनोद सिंह पहुंचे हैं। विनोद जी, अतुल जी से आपने बात की, सब कुछ समझा, क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, अतुल गेरा जी तो लगातार इस क्षेत्र में सबसे सक्रिय हैं और 7 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन जब से सरकार के आदेश आया है मैं देख रहा हूँ रांची में भी जो लोग इस खतरे को जान रहे हैं और जो लोग लगातार ब्लड डोनेशन कैंप इस सबसे जुड़े हुए हैं वो लोग सही मायने में इस खतरे को, इसकी परेशानियों को भांप रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तक तो चीज़ें जाते जाते तक देर हो जाती है और सब लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि जो ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड लोग जो देते हैं, जिस सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पिछले दिनों अचानक जो है उसके दर बढ़ाए गए। सिर्फ दर नहीं बढ़ाए गए, पहले तो प्रयास किया गया, सरकार ने पहले तो एकदम सफाई दी कि भाई हम सरकारी अस्पतालों में जो है वो मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, एक बड़ी संख्या में लोग अगर निजी अस्पताल हैं, सरकार मान्यता दे रही है, बाकी लोग हैं तो उसमें उपचार करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही पूर्व में भी पहले जो जो ब्लड डोनेशन करते थे उन लोगों के द्वारा भी जो मुहैया कराया जाता था वह भी बंद कर दिया गया। तो जब पिछले दिनों ये गाइडलाइंस जारी किया गया था, पिछले दिनों इन्होंने PIL भी किया था, पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने ये कहा था कि भाई सरकार कम से कम ये स्पष्ट था कि जो भी लोग हैं मरीज आते हैं वो सिर्फ सरकारी ही नहीं निजी अस्पताल हैं, उनको ब्लड जो है वो मुहैया कराए, उनके पास डोनर है कि नहीं, और ख़ास करके जो ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं, ये सभी भी सरकारी हॉस्पिटलों में भी चलता है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी आप रिम्स में जाएं तो बिना डोनर के जो है वो ब्लड नहीं देते हैं। तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है, वो चाहे निजी हो सरकार हैं, कि उनको ब्लड जो है मुहैया कराएं, और ये हॉस्पिटल सरकार तमाम समाजसेवी संस्थाएँ भी इसके सहयोग में रहती हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप करें और उनको लें। तो अभी सरकार ने ये तो कहा कि भाई हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन जो संशोधित आदेश निकला है उससे स्पष्ट वो दिख रहा है कि भाई वो मरीज तो आएंगे ब्लड बैंक से, उनको सूची के आधार पर ब्लड मुहैया कर दी जाएगी, लेकिन फिर वो निजी बैंक, निजी जो हॉस्पिटल हैं उनसे जो है उनकी राशि जो है वसूली जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब निजी अस्पतालों में ऐसे ही इतनी परेशानियां, ऐसे ही जहां लाश तक नहीं छोड़ी जाती है, जहां लोग छोटे छोटे मरीजों, भी कल ही गिरिडीह की घटना हम लोग देख रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल से गोविंदपुर में ले जाया गया, उसको घर बार तक बेचना पड़ा, तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वो पुनः उनसे ही शोषण करेंगे और हो सकता है सरकार उनसे जितना वसूल रही है उससे वो ज़्यादा वसूलें कि हैंडलिंग चार्ज मुझे अभी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस बात की गारंटी हो, ये जो दर लगा हुआ है वो जो पूर्व की बात है, अगर आप ये दर निजी हॉस्पिटलों में करना चाहते हैं तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो होनी चाहिए, लेकिन तब फिर इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो उनको ब्लड मुहैया कराएं, आप ब्लड डोनर भी दें और फिर राशि भी दें, ये दोहरी मार है और परेशानियां हैं। ये बात स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा में उठा? नहीं, निश्चित रूप, देखिए सरकार के कान में नहीं गई है वो तो बात नहीं है, लगातार इतने दिनों में आंदोलन चल रहा है, आपके चैनल में भी, आपके द्वारा भी कई चीज़ें पोस्ट हैं, आज सुबह भी हमसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, तो सरकार के समय सरकार को महज सिर्फ तकनीकी आधार पर चीज़ों को ये करने में, अगर लगातार किसी सिविल सोसाइटी और समाज से कई चीज़ों में विरोध आ रहा है तो कम से कम ध्यान होकर गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए। अक्सर हाँ होता है कि विरोध की आवाज़ों की सरकार कोई हो अनसुनी कर देते हैं, अनसुनी करने के बजाय उसके जो एक एक पहलू हैं, जो जानकार हैं और जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं वो आप जाने, हो सकता है कई बार ऐसा होता है हम लोग देखते हैं कि सरकार या जो दूसरे लोग हैं हर एक लेवल पर उनको सही जानकारी भी नहीं हो, तो भाई जिनके पास जानकारी है, जो इस खतरे को आगा रहे हैं, उनसे जानकारी लेने में और उस खतरे को पहचानने में संकोच किस बात का? सिर्फ आप सरकार में हैं इसलिए आपने कह दिया, तो ये तो गैर जरूरी बात हुई, इसलिए
यहाँ बात हो रही है जो सदन सड़क के सड़क में आवाजें उठ रही है, आज राजभवन में ही है, पिछले दिनों रांची में हो रही है, तो सदन चल रहा है तो सदन के अंदर भी आवाज उठनी चाहिए और मैं उठाऊंगा। विनोद जी आए आज बात किए तो क्या लग रहा है कि सरकार तो एक जिस संकल्प को लेकर आप विरोध कर रहे थे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुआ था लेकिन एक पत्र जो है सिविल सर्जन की तरफ से जारी कर दिया गया। देखिए आप ये पूरे मसले को भी देखेंगे तो जैसे रक्त के लिए कुछ भी या कोई भी डिसीजन छोटी से बड़ी एक उसका नियम है स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में लाई जाती है और जिसमें सिर्फ हम ही नहीं हैं, प्राइवेट ब्लड बैंक्स भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स हैं, ड्रग कंट्रोल के अधिकारी हैं, सिविल सर्जन्स हैं, मतलब जितने स्टेक होल्डर हैं इस पूरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस से जुड़े सभी कोई उस कमेटी के मेंबर होते हैं, वो 40-50 लोगों की कमेटी होती है, तो इनको सबसे पहले स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में लाना चाहिए था, वहाँ पे जो भी होती बहस होती हम अपनी बातों को रखते और तब मुझे लगता है फिल्टर आउट करके सही चीज़ बात होती, हमें मौका तो मिलता अगर कहीं गलती हो रही है। जो इन्होंने बताया कि अब सरकारी या सारे निजी अस्पतालों को कैम्प करना है और इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अनिवार्य है लेकिन ये भी लिखा नहीं करेंगे तो कलांतर में विचार करेंगे उनको रख देना है कि नहीं, अब हम उनको ये बात उस मीटिंग में बता सकते थे कि ये ऑर्डर 4 साल पहले भी निकला था और एक नहीं 5 IAS ने निकाला है, 2 बार सचिव ने निकाला, MD HNM ने, NHM ने निकाला, एक बार प्रोजेक्ट डायरेक्टर JSACS निकाला, उपायुक्त की चिट्ठी जाने के बाद सिविल सर्जन्स ने निकाला। अगर 8-9 चिट्ठियों को जाने के बाद अगर अस्पतालों ने कैंप नहीं किया है तो आपको वो देखना होगा कि आखिर इसमें कहाँ चूक हो रही है, आपने फिर वही बात लिख दी है और उसके बाद भी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है वो करेंगे। आज देखिए 1 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं, आज 8 तारीख हो गया, कोई प्राइवेट अस्पताल कैंप नहीं कर रहा है, इसी संकल्प को उन्होंने बहुत तारीफ की, इन संकल्प को उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के आगे एक चिट्ठी डाली है और इस संकल्प की खूब तारीफ की, उसमें लिखा है उनका कैंप करना अनिवार्य है, किसी ने कैंप किया, एक कैंप नहीं किया 500 अस्पतालों ने, तो सोचिए कि अब वो अस्पताल एक तरफ बढ़ाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि ब्लड उनके यहाँ आ जाए, हर आदमी निजी में जाए। अच्छा अब अगर ये उसका पालन भी करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं के यहाँ लेंगे क्योंकि वो बेड साइड दे देंगे, वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है वो ना तो डोनर का व्यवस्था करना चाहते हैं और पूरा पैसा भी चाहते हैं। आज पूरा पैसा सीलिंग का 1050 सरकार लेगी, 1450 वो लेंगे और मरीज के लिए क्या है, अभी भी वो भटकेगा डोनर लेके, कोई डोनर मिलेगा अगर उसी में धोखा खाएगा, किसी ने प्रोफेशनल डोनर ने पैसे मांग लिए, तो जो वो डर है जो दर्द है और पूरी परेशानी मरीज के लिए वहीं की वहीं है, पैसा भी लगना है और उसको डोनर भी ढूंढना है, तो यही मांगती कि अब अगर पैसा भी आपकी ज़रूरत है ले लीजिए, आप निजी अस्पताल को भी पैसे की ज़रूरत है आप पूरा लो, सरकार को पैसे की ज़रूरत है पूरा ले लो, लेकिन कम से कम गारंटी करो ब्लड आप कि हम ब्लड देंगे, इनसे डोनर नहीं मांगेंगे, एक जिम्मेदारी तो ले लें वो। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in